नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने माउथ ऑर्गन की प्रैक्टिस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज क्रिसमस का दिन है तो आप सभी को मेरी क्रिसमस। और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर एक और गीत के नोटेशन के साथ मैं आज फिर आप सबके सामने। आज का जो गीत है वो क्विकली मैंने सेलेक्ट किया है, लता जी का गाया हुआ फिल्म लव इन टोक्यो से, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो। तो इसको हम लोग बहुत आसान नोटेशंस के सहारे बजाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बजा कर दिखाता हूँ और फिर हम एक एक लाइन करके इसको नोटेशंस के सहारे सीखते हैं। इस तरह का साउंड करेगा ये गीत। पहली लाइन मुखड़े की, मुझे तुम मिल गए हमदम, इसको म म ध ध सा नि सा नि ध प ध म ध ध सा नि सा नि ध प ध। दूसरी लाइन, सहारा हो तो ऐसा हो, गगा पधा पधा प मगमा, गगा पधा पधा प मगमा, जिधर देखूं उधर तुम हो, गा 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 प पगम। गा 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 प पग उधर तुम हो, गा 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 प पग नजारा हो तो ऐसा हो, सागा सागा पधा पधा प मगम, तो इस मुखड़े पाठ को आप दो बार बजाइए और उसके बाद अंतरा। किसी का चांद सा चेहरा, रे 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 सागर रे सा नी नी सा रे ग रे 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 सागर रे सा नी नी सा, नजर से चूम लेती हूँ, नी 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 रे नी ध प ध, नी 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 रे नी ध प ध। अगली दो लाइनें इसी तरह से बजेंगी,
खुशी की इंतहा ये है, रे 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 सागर सानी सा। नशे में झूम लेती हूँ, नी 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 रे नी ध प ध। उसके बाद फिर से वही बोल होते हैं, नशे में झूम लेती हूँ, धा 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 सा धा धा पा मा। धा 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 सा धा धा पा मा। हुई फिर मुखड़े पे मिल जाएगा, हुई तकदीर भी रोशन। तो मुखड़े की ओपनिंग लाइन की तरह, मामा ध ध सानी सानी ध प ध। मामा धा धा सानी सानी ध प ध। सितारा हो तो ऐसा हो गग प ध। गग प ध प ध प मा ग मा। जिधर देखूं उधर तुम हो। तो इस तरह से मुखड़ा और अंतराप बजा सकते हैं, और आसान नोटेशंस देने की मैंने कोशिश की है। आप बजा कर देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। और आज का लेसन एंड करता हूँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।